नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने PWS चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि लोग जानना चाहते हैं कि एक बेगल पप्पी का प्राइस क्या होना चाहिए इंडिया में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये उसी के लिए है, जिसे मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि एक प्योर ब्रीड बेगल पप्पी का प्राइस क्या हो सकता है इंडिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बेगल एक काफ़ी पॉपुलर ब्रीड नहीं है इंडिया में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में यह फोर्थ मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में आता है और इसका ओरिजिन इंग्लैंड से है। बेगल डॉग का एक एवरेज लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल 12 टू 15 ईयर्स हो सकता है, पर अगर आप इस ब्रीड को काफ़ी अच्छे से रखते हैं, टाइमली खाना देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो कई बार यह 16 टू 17 ईयर्स भी जी सकते हैं। इनका वेट 9 टू 11 केजी तक हो सकता है। तो फ्रेंड, यह थी एक ब्रीफ ओवरव्यू, मैं ऐसा करता हूँ जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बेगल डॉग के बारे में मालूम चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आपको बेगल डॉग का प्राइस बताऊँ कि कितना होना चाहिए इंडिया में, इससे पहले यह आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि यह डॉग ब्रीड आपके लिए है या नहीं, या आप इसे ठीक से पाल पाएंगे कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। एक बेगल डॉग काफ़ी जेंटल, स्वीट और फनी डॉग होता है और फैमिली मेंबर के साथ ये आसानी से घुल मिल जाते हैं, खासकर बच्चों के साथ। फ्रेंड्स, आपको जानना है बिल्कुल ज़रूरी है कि बेगल एक असल में हाउंड ब्रीड का है, यानी कि शिकारी कुत्ता है। तो इन्हें बेसिकली ब्रीड किया गया था खरगोश को पकड़ने के लिए, इसीलिए इन्हें एक्सरसाइज की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अगर आप छोटे फ्लैट में रहते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं या छोटा घर है, आपके पास इनफ स्पेस नहीं है, तो यह आपके लिए डॉग बिल्कुल नहीं है। भूल के भी यह डॉग आप बिल्कुल घर पर मत लाइएगा। अगर आप लाते भी हैं फ्लैट में आप रखना भी चाहते हैं इनके साइज छोटे साइज को देख करके, तो आप मान के चलिए आपको डेली हाफ एन आवर इनके पीछे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि आप हाफ एन आवर के टाइम में कम से कम 2 किलोमीटर आप डेली आप डिस्टेंस कवर करके इन्हें आप डेली वॉकिंग पे ले जा सकें। और अगर आपके पास इनफ स्पेस है, जैसे बैकयार्ड स्पेस है, घर के पीछे वाली स्पेस खाली है, तो ध्यान रखिए आपको फेंसिंग ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि ये डॉग ऊपर उछल के बाहर न चले जाएं। इसके अलावे कई बार ये बोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जमीन खोद करके, डिग करके, होल्स बना करके बाहर निकल जाएंगे, इसलिए इन्हें इंगेज रखना काफ़ी ज़रूरी है। इन्हें बोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें ग्रूम करना काफ़ी इजी है, ये दूसरे लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, और इवन आपके पास अगर कैट है घर में तो भी ये फ्रेंडली रहते हैं, जल्दी लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें आपको डेली कम से कम कॉम्ब करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इनके बाल झड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको एक ओवरऑल डिटेल मालूम चल गया होगा कि बेगल आपके लिए है या नहीं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या हो सकता है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, एक KCI बेगल पप्पी का प्राइस 25,000 टू 30,000 हो सकता है, और यह डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ रहते हैं, आप मुंबई में रहें, बेंगलोर में, कोलकाता में, कहीं भी रहें, प्राइस मोटा मोटी सेम ही रहेगा। 25 टू 30,000 के अंदर आपको एक प्योर ब्रीड बेगल पप्पी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप ब्लड लाइन का चाहते हैं, अगर आप डॉग शो में उतारना चाहते हैं, उस पर्पज से अगर आप डॉग ले रहे हैं, तो आपको 35 टू 40,000 प्राइस पड़ सकता है। अगेन, मैं फिर से फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। आपको लोकल या कहीं और जगह आपको मिक्स ब्रीड का या कोई अच्छा टेम्परामेंट नहीं रहेगा, उनका नेचर अच्छा नहीं रहेगा पेरेंट्स का, तो चांसेस आपको 15-16,000 में मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का ब्रीड बिल्कुल ना लें, हमेशा प्योर ब्रीड पे आप ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताएं कि आपने अपना बिगल पप्पी प्योर ब्रीड का जो KCI रजिस्टर्ड है कितने में लिया था, ताकि और लोगों को यहाँ जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।